आप सब जी मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं निखिल नगर आर्या कॉलेज तो आप जी के सामने आज गुरु तेग बहादुर जी पेश करने जा रहा हाँ। श्री गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1 अप्रैल 1621 ईस्वी को अमृतसर विखे श्री हरगोबिंद साहब जी के घर माता नानकी जी की कुखों होया सी। आप जी के बचपन का नाम बहादुर चंद सी अते आप गुरु साहिब जी के सब तो छोटे सपुत्र सन। आप बचपन तो ही संत स्वरूप अडोर चित गंभीर और निर्भय सुभाव के मालक सन। आप कई कई घंटे समाधि विच लीन रहिंदे सन। आप जी की अखरी पढ़ाई शस्त्र विद्या का प्रबंध श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अपनी देख रेख करवाया। आप सुंदर जवान विद्वान शस्त्रधारी धर्म राजनीति में निपुण सन। 1634 आप जी ने अपने पिता नाल मिलके करतारपुर के युद्ध में अपने तलवार के जोहर विखाए। आप जी का निजी जीवन सादा अते सुथरा सी। आप एकांत विच अडोल रह के परमात्मा का सिमरन करते सन। गुरु हरगोबिंद जी की ज्योति और समान तो बाद आप पिंड बकाला आ गए ते 20 साल भोरे विच बैठ के तपस्या करते। 1632 आप जी का विआह भाई लाल चंद की सपुत्री माता गुजरी जी के नाल होया। आप जी सपुत्र सिखा दे 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद जी सन। 8वें गुरु हरकृष्ण जी की ज्योति और समान तो पहला संगतों को बाबा बकाला कह के आप जी ने गुरगद्दी सौंपी। आपने गुरु प्रगट होने की कथा ही निराली है। जिस वेले गुरु हरकृष्ण जी ने बाबा बकाले वाल इशारा किया तो उत्थे अपने आप को कई गुरगद्दी का मालक दसन लगे। आखिर विच साल पिछे मक्खन शालोबाना जो कि जिसका जहाज समुद्र की घूमन घेरे विच गुरु जी की कृपा नाल पार लगा सी अपनी सुखना दियाँ 500 मोहर लैके वह बाबे बकाले पहुँचा। उसने उत्थे पहुँच के देखिया कि 22 गुरु अपने आप को गुरुगद्दी का मालक दसन लगे। काफ़ी पुछगिछ करने तो बाद आप जी ने पता लग्या कि एक गुरु साहिब भोरे विच भी रहिंदे हन। मक्खन शाह भोरे विच गया। इसने गुरु जी अगे 5 मोहरा भेट करके मत्था टेकिया। अरे गुरु जी ने कहा मखना 500 मोहरा दी करता है गलत केवल 5 मोहरा ही कर रहे हैं अर्पित। यह सुन के वह गदगद हो गया तो उच्ची उच्ची रोला पान लग पाया गुरु ला दो रे गुरु ला दो रे। बकाले तो आप कीरतपुर पुजे तो फिर कहलूर के राजे तो जमीन खरीद के अनंदपुर साहिब नगर वसाया जिथे गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की साजना की। इस समय मुगल बादशाह औरंगजेब के हुक्म अनुसार कश्मीर का सूबेदार शेर अफगान तलवार के जोर नाल कश्मीरी हिंदुओं को मुसलमान बना रहा है। कश्मीर तो दुखी पंडित गुरु जी को आए तो कह लगे उन्होंने कहा जेकर कोई महान व्यक्ति अपनी कुर्बानी देवे तो थोड़ी रक्षा हो सकती है। आप जी के सपुत्र गोबिंद राय ने कोल बैठिया ने कहा पिता जी थोड़े तो अगे होर वड्डा महान पुरुष कौन हो सकता है। बालक गोबिंद दे कहते आप जी ने तिलक झुंझ की कवाली लई अपने साथियों समेत दिल्ली पहुँचे। आपनू ते आपने साथियों नू आगरे विच गिरफ्तार कर लिता गया ते आप जी नू चांदनी चौंक की कोतवाली विच आदि कष्ट भी सहने पे। आप जी ता भी अडोल रहे। फिर आप जी ने भाई मतीदास जी नू आर नाल चीर दिता गया। भाई मतीदास रूह विच लपेट के सार दिता गया। भाई दयाले नू उबलदी देग विच पा के शहीद किया गया। गुरु जी शहीदी देने लई भी तैयार हो गए। जलादा ने आप जी दे सिर धड़ नालों वख कर दिता। इस तरह आप जी ने सीस दिता पर सिरन ना दिता। उत्थे अजकल गुरुद्वारा शीशगंज शोभित है। आप जी की महान कुरबाणी लोगों की शिरोचणी और इंकलाब ले जाता। आप जी कुरबाणी तो बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा की साजना की जल हुकूमत जड़ा हिला के रख दिखा। गुरु तेग बहादुर जी ने मानव जाति को संदेश दिता कि डरन वाला काया है अते डराउन वाला जलम। इसे लई ना किसे तो डरो ना किसे नू डरो। धन्यवाद।